का हमला उन्होंने किया, कई इशूज को लेके, धान से लेके हर इशू पे, घोषणा को लेकर जो वादे किए। मैंने सुना नहीं है, दौड़े दौड़े में निरंतर हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ, देखिए छत्तीसगढ़ की सरकार अपने तरफ से अपना काम कर रही है और उस पर राजनीतिक दृष्टि से उनको बोलने का अधिकार हो सकता है, लेकिन जो काम यहाँ हो रहा है, मैं जो देख रहा हूँ, जो घोषणाएं उन्होंने की है, जैसे नरवा, गरुआ, गुरुआ, बारी, ये बहुत प्रासंगिक मैंने घोषणा है और उस पर काम भी शुरू हुआ है। बहुत जगह हो सकता है थोड़ा पीछे होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा काम है। राम वनगमन पथ पर इन्होंने काम शुरू कर दिया है, कौशल्या माता के जो का मंदिर है उसका जीर्णोद्धार शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी के जमाने में कोई भी बिंदु पर कभी काम नहीं, ये पहली सरकार है जिसने राष्ट्रीय रामायण महोत्सव बजट में पैसा रख करके पूरे हिंदुस्तान में पहली बार काम किया, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी, अब मैंने नहीं सुना है वो क्या बोले हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन मैं समझता हूँ भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही छत्तीसगढ़ में, वो समस्त बिंदुओं को स्पर्श करते हुए किया है, जिन कामों को भारतीय जनता पार्टी अपना अधिकार समझती थी वो भी नहीं कर पाई। दादा, हमारे सीएम इकलौते सीएम अभी ऐसे दिखते हैं जो सॉफ्ट हिंदुत्व का लगातार संकेत दे रहे हैं कांग्रेसी होने के बावजूद, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इन्होंने जो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 3 दिन का रायगढ़ में किया, उसमें एक प्रमुख भाषण मैंने दिया और उसकी बड़ी तारीफ भी हुई, पता नहीं क्या मैंने बोला, लेकिन मैंने वहाँ पर एक बात कहा, ये पहली सरकार है जिसने बजट में घोषणा करके उसके लिए बाकायदा फंडिंग का व्यवस्था करके सरकारी तौर पर कोई रामायण महोत्सव का काम करने वाला कोई एक सरकार है पूरे हिंदुस्तान में आज से पहले तक, तो केवल छत्तीसगढ़ की सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार। मोदी जी ने आज इसी बोला है कि गंगा की कसम, झूठी कसम खाते हैं, पंजाब हटाना बीजेपी को लाना है, क्या बोलते हैं प्रदेश में? पंजाब हटाना है बीजेपी को, प्रदेश में लाना है, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो कसम गंगा का खावे, क्या करें, उस पर हमारा कोई बस नहीं, लेकिन उनको मैं बता देना चाहूँगा, आज ही ये वोट उन्होंने अगर कहा है तो ये तय हो चुका है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार पहले से भी ज़्यादा प्रबल कदम में आ रही है, इसको कोई रोक नहीं।